कही गई है ब्राह्मणानां उपमासे बाहुरा जन्यतः गुरु तद्वैश्य पदभ्याम शूद्र अजायत। ये वेद का वाणी है। ब्राह्मणानां उपमासे परमात्मा परमेश्वर के मुख से ब्राह्मण का सृष्टि अर्थात जो अध्ययन अध्यापन करता है वही ब्राह्मण है। बाहुरा जन्यतः बाहु से परमात्मा के बाहु से क्षत्रिय का सृष्टि है अर्थात शरीर को जो रक्षा करता है देश को रक्षा राष्ट्र रक्षा जो करते हैं फौजी में सैन्य वाहिनी में जो काम करते हैं वो क्षत्रिय है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम गीता में है। कृषि गोरक्षा वाणिज्य जो करते हैं जो वैश्य हैं और जो सेवा करते हैं राष्ट्र की सेवा करते हैं देश की सेवा करते हैं तो शूद्र है। इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है सब समान है क्योंकि एक परमात्मा हर आदमी का अंदर विद्यमान है। राजराज में कणकण में विद्यमान है एक परमात्मा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गृहस्थिनी सुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे जो ब्राह्मण विद्या विनय संपन्न है उनका अंदर जो परमात्मा है वही परमात्मा गरी मतलब गाय का अंदर है हस्तिनी हाथी का अंदर है सुनि चैव सुपाके च सुनि माने चंडाल चंडाल का अंदर वही परमात्मा है सुनि कुत्ता का अंदर वही परमात्मा है। जो परमात्मा सबका अंदर विद्यमान है वो परमात्मा को जो दर्शन करता है घट घट में रज रज में कण कण में जो परमात्मा को दर्शन करता है वही पंडित है विद्वान है आत्मदर्शी है। ये हमारे वैदिक धर्म का सार तत्व है वेदांत का उद्घोष वाणी है। तो हम परमात्मा को सर्वत्र दर्शन करते हैं तो इसलिए सब हम लोग समान है एक है कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है। तो हिंदुओं का अंदर ये भेद दूर करके और हिंदुओं का अंदर एकता स्थापन करने का यही लक्ष्य है।